जी बताओ चाची, क्या समस्या है? क्या समस्या है? यहाँ के मुखिया जो बने हैं रजत भैया, प्योर चमचा है, घुस खोक है, ठीक ना? हम लोग के ले लिए कुछ गाय सेट में 5,000 रुपया और ला के घरे वापस कर दिए। तो 5,000 बहुत कम बताओ थिया। उस समय 5,000 बोल रहे थे, अभी तो 15,000 पैसे ले लेके चलते हैं। मैंने चमचा बोले तो कौन, मुखिया जी का हस्बैंड चमचा है या कोई और चमचा? हस्बैंड है वो। अच्छा, वो चमचा है तब? चमचा बोले तो दलालगिरी। हाँ, मैंने यहाँ का मुखिया क्या दलालगिरी करता है? जो है आपका एक योजना है तो उसको जब तक 2,000 रुपया नहीं मिलेगा तो योजना के जो है ना, हाँ, आपका उस पर कलम नहीं चलेगा। अच्छा, ये देखे सीओ साहब का भी पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। सीओ साहब के बारे में ये बोलना मैं चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन के लिए अगर आप डिमांड दे रहे हैं कि सर हमारा ऑनलाइन होना चाहिए, रेकर वगैरह सब पूरा रेडी करके दे दे रहे हैं सीओ के पास, तो सीओ साफा सीओ का दलाल बोलता है कि 10,000 रुपया लेंगे तब हम ऑनलाइन करेंगे। 10,000 रुपया जिस गरीब के पास नहीं रहेगा तो कहाँ से ऑनलाइन? जनता के अंडर में आ करके, ग्रामीण जनता के अंडर में आ करके वाहवाही करे तो फिर उनको प्रशंसा किया जाएगा। अंदर एक साथ अगर अलग करने से तो कोई लोग यहाँ के लोग खाली रुपया पर बिक रहे हैं। अच्छा, खाली रुपया पर बिक रहे हैं कि रुपया देबा तो हम वोट देबो, आप नहीं रुपया नहीं देबो तो नहीं देबो। सरपंच हैं सब, ये घपला बाजी जो है ये सारा चीज तो ठीक है। हाँ, लेकिन जो अभी सेट में पैसा लिए हैं 15,000 मैंने इस बात को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, हम खुद दिए हैं। अच्छा, 15,000 वार्ड मेंबर भी है? अच्छा, हाँ, वार्ड कितना नंबर? 6 है। अच्छा, मैंने आप खुद वार्ड नंबर 6 होते हुए भी आप 15,000 रुपया घुस दिए हैं? क्या चीज के लिए बोल रहे थे? सेट के लिए बोले कि पैसा नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा। अगर हम एक लाइन में अधिकारी लोगों का बात करें तो ऐसे अधिकारी लोगों को पानी में डूब के चुल्लू में मर जाना चाहिए। जो एक लाइन न्यूज और मैं मोहम्मद मुश्ताक। जैसा कि पता है कि अभी पंचायती चुनाव का दौर चल रहा है और सारे लोग जो हैं, प्रतिनिधि लोग जो हैं, पूरा बौखला गए हैं और जगह जगह पर घूमना स्टार्ट कर दिए हैं और तरह तरह की ग्रामीण लोगों का लोभ भी देना स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसे में आज हम मेराल प्रखंड के बिकताम पंचायत में हैं और इस पंचायत में अभी तक यहाँ का जो वर्तमान मुखिया हैं उनके द्वारा क्या काम हुआ है। हम लोग का एक दौर है, एक सर्वे है, जो हर पंचायत के एक सर्वे के मुताबिक एक रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं जो आने वाला समय में पुनः जो है उस मुखिया को मौका मिलेगा या फिर चेंज करने की आवश्यकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये चुनावी जो दौर है, ये 5 साल का जो अंतिम समय आता है उस समय ग्रामीण लोग और प्रतिनिधि, ये दोनों में एक बहुत ही आंकड़ा जो रहता है, एक 36 का आंकड़ा चलता है। काफ़ी लोग जो होते हैं गुस्से में रहते हैं और बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में रहते हैं। लेकिन हम अभी जो ग्रामीण लोग के साथ उपस्थित हैं और बहुत सारे लोग हमारे पीछे आप देख भी पा रहे होंगे जो ग्रामीण लोग जो हैं, और सारी नॉलेज हम लोग लेंगे जी इस बिकताम पंचायत में क्या काम हुआ है। जी नाम बता लीजिएगा। कमलेश राम। कमलेश जी, कहाँ घर कहाँ हुआ? बसरिया। बसरिया में क्या अभी तक जो 6 साल मुखिया जी का कार्यकाल था आपके पंचायत में, कुछ उनका काम बताइए जो काम हुआ होगा अभी तक? तो इतना सेट मिला, लेकिन जिसको गाय बल है उनको तो नहीं मिला, जिसको नहीं है उनको बहुत मिला। मैंने आपके हिसाब से जिसका गाय बैल है, हाँ, उनको नहीं मिला। हाँ, और जिसका नहीं है उसको मिला। तो क्या इसका बीच में क्या मामला है? यही मामला है तो शायद होगा। हाँ, इसमें बहुत घूस लिया जा रहा है, मैंने घूस की वजह से। हाँ, एक गरीब आदमी जो होता है उसके पास गाय बैल रह के अपना जीवन यापन करता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं रहता है। नहीं रहता, पैसा नहीं रहने की वजह से वो गाय सेट नहीं करवा पा रहा। लेकिन जिसके पास पैसा है वो क्या कर रहा है? पैसा दे के गाय सेट करवा ले रहा है। जी बिल्कुल। जी व्यक्ति का है जिसके पास जरूरत नहीं है। जी गार्जियन, उसी व्यक्ति का है यहाँ गाय सेट हुआ या जो भी हुआ, बकरी सेट जो भी हुआ, जिसके पास 90% नहीं है, जिसका है उसको तंग है, परेशान है व्यक्ति, जिसकी प्रयास किया जाता है, जिसके पास है अगर देखा जाए उसको नहीं मिलता। में आपके पंचायत में अभी जो कौन मुखिया यहाँ के कौन है? मुखिया का नाम है राजेश, उसके हस्बैंड है, मुखिया तो उसकी मैडम है। अच्छा, प्रतिमा देवी उसका हस्बैंड का नाम है राजेश मुखिया। उनके द्वारा जो है कॉलोनी के गाय सेट बकरी सेट के अलावा कुछ और काम बताइए जो हुआ होगा? और ये सब कुआं वगैरह जो है वो देते हैं, ये सब तो जनरल चीज है। ये सबको मिलता है या चिन्हित लोग? सबको प्रयास करना पड़ता है, सबको नहीं मिलता है। और क्या गाँव की स्थिति क्या है अभी विकास की अगर बात करें, सड़क का, नली का, ये सब का व्यवस्था, पानी वानी का? उनकी तो यहाँ व्यवस्था ही नहीं दिखाई देता, वो तो चलते फिरते दिखाई नहीं देते।
अच्छा वो चलते फिरते हैं क्या, हमेशा सोए रहते हैं? पता नहीं कहाँ रहते हैं, सुनने में है ज्यादा मस्त रहते हैं क्या तो मुखिया जी? नहीं ऐसा है भी, देखिए हम डिटेल नहीं बता सकते इसलिए कि हम अच्छा ऐसा है, एक मिनट। अच्छा मुखिया जी चमचा है क्या कुछ शायद बोल रहे थे, क्या है मुखिया जी चमचा है? मुखिया जी है ना तो अति गलती करते हैं, बोलबे नहीं करते मुँह पर, आगे चमचा के पैसे ले लेकर चलते हैं। मैंने चमचा बोले तो कौन, मुखिया जी हस्बैंड चमचा है या कोई और चमचा? हस्बैंड संगे संगे लेके चलते हैं, बॉडी गार्ड तभी होंगे। नहीं मेरा कहने का मतलब है जो मुखिया जी हैं पंचायत के, उनके हस्बैंड राजेश भुइया हुए तो वो चमचा हुए या उनके साथ में चलने वाले दूसरे कोई के लेके चलते हैं ना, हस्बैंड को हस्बैंड लेके चलते हैं। अच्छा वो चमचा है तब, चमचा बोले तो दलालगिरी। हाँ मैंने यहाँ का मुखिया क्या दलालगिरी करता है क्या, थोड़ा आप बताइएगा। यहाँ के जो मुखिया जैसे भाई से बता रहे हैं, यहाँ के जो मुखिया है वो चलते नहीं है, लेकिन उनका हस्बैंड जो है साथ में चलते हैं, उनका हस्बैंड ये सब दलालगिरी करते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं भाई, दलाल क्या करेंगे वो, लेकिन बगैर पैसा के यहाँ कोई काम नहीं होता। मैंने कुछ भी करवाना है तो पैसा ही लगेगा, तभी होगा। जैसे हम कुछ काम बताइए हमें, जैसे अभी बकरी सेट हुआ, गाय सेट हुआ तो 15,000 ले ले कर करके उसके बाद दिया गया। बकरी सेट और गाय सेट में 15,000 देने के बाद मैं नहीं दिया हूँ तो मेरा अभी तक सेट नहीं हुआ है, मेरा जांच करने वाला चीज है। अच्छा अभी मेरा चल करके, मैं राजेश कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ, मेरा जांच करने वाला चीज है, मेरा सेट अभी तक नहीं हुआ पास हुआ, अभी पैसा नहीं दिए, नहीं हुआ, पैसा देगा तब उसका होगा, ऐसा बात है। तो पंचायत में मुखिया जी का क्या दादागिरी चल रहा है? दादागिरी नहीं चल रहा है, वहाँ सामने से कोई नहीं बोलता है, बोलता है ना कि इसमें कुछ लगेगा खर्चा वर्चा उधर देना पड़ता है तो यहाँ दे दो उसके बाद हम वहाँ से करवा देंगे, ऐसा बात है। अच्छा ये बात जो है मुखिया जी का जो पति है राजेश जी, वो खुद बोलते हैं या वो वही वो खुद भी बोलते हैं? हाँ मेरे साथ खुद भी बोले हैं कि इतना पैसा लगता है जो वहाँ खर्चा है, आंचल में प्रखंड में इतना अभी लगता है पैसा। हाँ। और पैसा अगर नहीं देने से, पैसा नहीं देने से है मुखिया ने उसकी हस्बैंड का सरकार है, वो तो लेडीज बेचारी जो काम के लिए वो साइन कर देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए आज का डेट में जो भी मुखिया अगर महिला है वो सिर्फ और सिर्फ एक नमूना है, उसका कार्यकर्ता सारा का सारा प्रभार उनका हस्बैंड है, ये देखा जाता है। हालांकि गवर्नमेंट जो है महिला सीट इसलिए देती है ताकि महिला लोग जो है अपना स्तर से वो थोड़ा ऊंचा हो सके, कुछ लोगों के बीच जा सके और सही गलत को सोच सके, लेकिन जो मर्द जो जात होते हैं, जो उनके हस्बैंड होते हैं, पतिदेव होते हैं, उनके ऊपर इस कदर हावी होते हैं जो अगर मुखिया जी को काम सही भी करना हो तो उनके माध्यम से गलत होता है। हाँ, क्या यही ना? हाँ, सही बात है, अगर मुखिया जी कह जाए तो सब सही है, सब उनका हस्बैंड जब चाहे तो गलत काम करते हैं, और वो दोनों का मेन चीज है ना, हस्बैंड हो या पति पत्नी दोनों तो एक ही है, वो अलग थोड़ी ना है। अगर उसका पत्नी के कम्युनिकेशन से अगर उसका हस्बैंड ना चले या हस्बैंड के कम्युनिकेशन से अगर उसका पत्नी ना चले तो फिर दोनों में चलेगा क्या? जी जी बिल्कुल, रात के दिन और दिन के रात कर देगा। जी तो जी, आप मुखिया जी के कुछ पक्ष लेते हैं? पक्ष की बात है, उसके पास कोई भी व्यक्ति जाए किसी तरह, उसकी आदत है कि उस कभी बदलाते नहीं है, साइन जो भी पेपर पर करना का आटा गुदते रहेगी तो भी आके साइन आपको कर देगी, एक खूबी उसकी हमने देखा। आप वो करती है, मुखिया करती है, अब उसके हस्बैंड क्या करते हैं हम तो देखे, दिल्ली रहने वाले हैं, हस्बैंड का विषय इस पंचायत को है ना, पंचायत अच्छी बताइए, जैसे आप अभी ये बताइए जो उनका जो महिला है वो सीधा साधा सब कर रही है, उसके बारे में नॉलेज है क्या? उसके हस्बैंड के बारे में नॉलेज नहीं आपको? उसके विषय में नहीं जानते हैं हम, इसलिए कि उसके पूरा हम दिल्ली रहते हैं जी, हम कुछ ना कुछ आते करें। जी जी कह रहे हैं कि देखिए डेली कुछ, देखिए अभी देखिए हमारा रोड बना है, बिना पैसे बिना अथी का कुछ होने वाला है, देखिए सब कबड़ करके खत्म हो गया जो कि 6 महीना भी नहीं पार हुआ है, 6 महीना के अंदर में, 6 महीना के अंदर में कहानी खत्म है, देखिए खत्म हो गया पूरा, और आगे तक भी दिखाएंगे चल के देखने वाला चीज। अच्छा मुखिया जी यहाँ के जो मुखिया जी है पूरा वाह वाही करते हैं, इधर थोड़ा सा पाजी से, मुखिया जी है यहाँ के जो हस्बैंड है तो वाह वाही करते हैं, हमारा पंचायत बहुत बढ़िया है, विकसित है। हाँ लेकिन विकसित है, लेकिन ग्रामीण जनता के अंडर में आ करके, ग्रामीण जनता के अंडर में आ करके वाहवाही करे तो फिर उनको प्रशंसा किया जाएगा, अंदर एक साथ अगर अलग करने से तो कोई फायदा नहीं है ना। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक गार्जियन है, कहाँ गार्जियन आप यहीं के हैं? हाँ हाँ। अच्छी बताए मुखिया जी का कुछ काम बताइए जो काम हुआ। देखिए मुखिया जी के काम मुखिया जी बतलाएंगे, इसलिए जनता तो कह कह के अपना देखे चुके हैं, जिसको होना है उसको होगा, जिसको पैसा रहेगा उसी को होगा, अगर मेरे पास पैसा है तो नहीं होगा। अच्छा
मैंने यहाँ पर पैसा का महत्व है। हाँ, पैसा का महत्व है, अगर आपको पैसा है तो दिन के रात हो जाएगा, पैसा नहीं है। इस पर कभी आप लोग आवाज भी उठाए हैं? देखिए आप उठा के कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? अभी तक वो सही नहीं हुआ। बोलने वाला तो कहेगा जा ना, जहाँ जाए ला जा, तो उसके अधिकारी कहाँ जाएगा? अरे मान लीजिए जनता कहाँ जाएगा, यहाँ से हम आपके पास जाएंगे, वीडियो के पास जाएंगे, वीडियो कहेंगे जहाँ आपको जाना है जाइए, तो वहाँ से जिला में जाएंगे, जिला पहले ही फूक देगा, तो हम जाए तो कहाँ जाएंगे? मैंने देखा जाए तो पूरा सिस्टम में करप्ट है। हाँ, पूरा सिस्टम में घोटालाबाज कर रही है ना। एक सीओ है आपका, एक योजना है, तो उसको जब तक 2,000 रुपया नहीं मिलेगा तो एक योजना के जो है ना, हाँ, आपका उस पर कलम नहीं चलेगा। अच्छा, ये मुख्य ये सीओ साहब जो अभी, हाँ, वर्तमान में तो किसको कहिएगा, सब नीचे से ऊपर लेके ऊपर तक तो भरने नहीं है, चल रहा है, तो हम लोग किसको किसको शिकायत करेंगे? कुछ लोग बता रहे हैं ये सीओ साहब 3% लेते हैं। 3% नहीं, जैसे एक उनका आती हुआ। अच्छा, सीओ साहब की या बीडीओ साहब की, थोड़ा हम कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए फिर बीडीओ साहब के पास से होता है। सीओ साहब जो है रिकॉर्ड पहले जो है सीओ साहब के ही पास जाता है जी, जैसे भूमि अति के लिए जो है पहला पर्सन, हाँ, चेक सील के माध्यम पर जो है, जब तक उसके सिग्नेचर नहीं करेंगे आपका कोई कार्ड नहीं होगा। और उनका है जो जब तक 2,000 रुपया नहीं लेंगे तब तक चेक सिलिक पर जो है सिग्नेचर नहीं होगा। ये देखे सीओ साहब का भी पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है, कह सकते हैं, या फिर आप जैसे अगर कोई योजना अगर आप करा रहे हैं तो उसका जो चेक स्लिप आपको बनाना होगा, तो 2000 वो आपका फिक्स है, वो बना हुआ है सीओ साहब के। ये अपना ये जी गार्जियन का समस्या है, बताऊँ बनावत है सीओ साहब का। पहला नंबर करेंगे, पहला प्रश्न हमार है ये, अभी अंचल का क्या स्थिति है? हल्ला मत कीजिए जी, हमार बोली चल रहा है, अभी हल्ला मत कीजिए। हाँ, बोलो बाबा। पहला नंबर ये औरत को आप तक ये दूगो मुखिया बीत गया, कितना सरपंच बीत गया, इसको घर जा करके तैयार है, विधवा औरत है, इसका पर अभी कोई ख्याल नहीं है। दूसरा नंबर के यहाँ के लोग, यहाँ के लोग खाली रुपया पर बिक रहे हैं। अच्छा, खाली रुपया पर बिक रहे हैं कि रुपया देबो तो हम वोट देबो, आप नहीं रुपया नहीं देबो तो नहीं देबो, जो कि दुसाध जाति का है, अब इसी का मुखिया बना था दुसाध जाति जी। हमारे साथ एक महिला है, इनके पास समस्या काफी है जी, क्या हुआ है? हाँ, मेरे 5 साल से ऊपर घर गिरा है, मेरे पति था तभी फिर मुखिया के हाथ जोड़े, जात के मुखिया था विक्रम के, उसको हाथ जोड़े कि भाई आती भैया अब रिपेयर हमको दे दीजिए कलोनी, तो अभी नहीं हमारे कलोनी मिला, अब काटा छोप के है, वही में हम लोग बाल बच्चा लेके सब ढाक गए। बोलते का है उन लोग जब जाते हैं तो क्या बोलते? अब हो जाएगा, हो जाएगा, चाहे यो मुखिया के कह ली, ये मुखिया कभी घर नहीं देखे है, तो भाई हम जेकरे पास पैसा है 20,000 देता है हमरा मुसमाते, हम कहाँ से दे, 5 साल रहता तब न देते। मैंने 5 साल हो गई ला, हाँ, अभी तक कोई मुखिया कोई घर के सामने कोई घर को ऐसा नहीं है कि मैंने जवन लाचारी में भी है, मैंने देखने वाला चीज है, लेकिन दो गो मुखिया में कोई मुखिया नहीं तैयार हुआ कि चलो हम लिख के दे रहे हैं कि बन जाएगा आपका, जो कि हमारा जात से 5 साल रह गया सुरेश, वो नहीं बनवा पाया इसको घर, और राजेश मुखिया भी नहीं बनवा पाया, जो कि हो जाएगा जाते हैं तो। हाँ हाँ, जाके ना तो कहेगा कि हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन जब सब पैसा खत्म हो जाएगा और बीच में कर्जे कर्जे समय भी खत्म हो जाएगा, फिर जाके कहिएगा कि भैया हमारा हो गया, तो कहेंगे कि नहीं नहीं अबरी ओला में हो जाएगा, अबरी ओला में हो जाएगा, तब तक वो पैसा जो पार्टी अगला देगा ओकर हो जाएगा। एकर कलोनी दो दो बार लिस्ट में आई, दो दो बार हम लोग देखे लिस्ट में आई, और दो बार पैसा के कारण कैंसिल कर दिया, यो मुखिया और सुरेशो मुखिया। अच्छा, हाँ, लिस्ट में आया हुआ है, पैसा नहीं दिए तो हाँ एकर चलते कैंसिल कर खत्म हो गया, हाँ दूसर के दे दिया गया वो, और यहाँ कहेंगे कि ऐसा होबे नहीं करेगा कि एकर नाम से आ गया है तो कट के ओकरा नहीं दिया, ऐसा यहाँ यहाँ ऐसा उनको कहने वाला है, लेकिन ऐसा उनका हो रहा है। अरे बाप रे बाप, ये जो है हमरो स्थिति है कि घर देखने वाला चीज है, जितना पसरिया में घर है हमारा घर के सामने, अब इनका घर के सामने ऐसा घर कोई धाना के नहीं है, देखने वाला चीज है अभी, लेकिन दोनों मुखिया बिल गए कहर कहर भी हम लोग। अगर हम एक लाइन में अधिकारी लोगों का बात करें तो ऐसे अधिकारी लोगों को पानी में डूब के चुल्लू में मर जाना चाहिए, जो एक गरीब महिला को ऐसी व्यवस्था होने के बावजूद भी वो नहीं कर रही है। 5 से लगभग ये जैसे महिला बता रही है 10 साल
मुखिया का कार्य रहा, लेकिन अभी तक उसका कोई सुधार नहीं हुआ। थोड़ा सा देखिए, जात के हम परसवान हैं और जात के बुधन भुइया एगो है हमारा टोला पर है, बुधन भुइया जाके बुधन भुइया के सामने गरीबी में भुइया के सामने गरीबी में कोई नहीं है, जो की बेचारा विधवा है, सवांग भी मर गया है और घर के बिना एकदम मने बेकाइल है। ये सब जो आप हमें बता रहे हैं, ये उच्च अधिकारी को आप लोग कभी बताएं, जैसे आपका वीडियो हो गए, सीओ हो गए? नहीं नहीं, तो चामचा जो है ना मुखिया यही कह दे रहा है कि आपको हम अबरी बेर करवा देंगे, अबरी बेर रुको हम करवा देंगे। जब बार बार आपका वादा खत्म हो रहा है तो उच्च अधिकारी पास आप लोग कभी गिनने गए? हम लोग का कहीं सुनवाई नहीं है। नहीं, सुनवाई हो या ना, आप लोग कभी गए कि नहीं? नहीं नहीं गए, गए ही नहीं। हम एक बार वही भुइया के लेकर के जो बुधन भुइया हम बता रहे हैं उनको लेके अब हम लोग जिला में गए। बताइए, हम उससे आगे गए हैं DDC के पास। क्या समस्या लगे? समझ आवास के बारे में, जो कि आवास के बारे में गए थे तो वो बोले कि हो जाएगा, चेक में भी आया। हाँ। बोला कि हम कर दिए हैं, पूरा नाम पता लिखा, मेरा अभी भी रास्ता पे घर है, जो कि वो बोले कि हो जाएगा। एक साल अब बीतने वाला है, अभी भी मेरा पूछते हैं कि क्या सर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। बोला कि अभी पता नहीं है। ग्रुप कौन बोलता है? वही बोलते हैं DDC घर हम गए थे तो वहाँ से मेरे घर चेक में भी हो के गया है अभी तक। ले मेरे चेक के लिए कौन आए थे? वो अफसर आए थे वहीं से, जिला से या फिर जिला से? जिला से, ब्लॉक से, दोनों। तो उसके बाद मेरा अभी तक ले आवास का पते नहीं है, 10 साल हो गया अभी तक। दोनों मुखिया पीछे, दोनों मुखिया बुधन भुइया के लेके हम माने हम लोग बस। जी जी बिल्कुल, जैसा कि जी हाँ बताइए, आप कुछ बता रहे थे सीओ साहब के बारे में। हाँ, सीओ साहब के बारे में ये बोलना मैं चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन के लिए अगर आप डिमांड दे रहे हैं कि सर हमारा ऑनलाइन होना चाहिए, रेकर्ड वगैरह सब पूरा रेडी करके दे दे रहे हैं सीओ के पास, तो सीओ साफा सीओ का दलाल बोलता है कि 10,000 रुपया लेंगे तब हम ऑनलाइन करेंगे। 10,000 रुपया जिस गरीब के पास नहीं रहेगा तो कहाँ से ऑनलाइन उसका होगा? सर दलाल की बात करें तो इसी का नाम ओपन कीजिए, कौन है नाम ओपन उसको इसको क्या बोलते हैं, अरे कहाँ के? यहाँ का है, परसई के रहने वाला है। अच्छा। हाँ, उसका नाम नहीं आ रहा है, वो मुस्लिम है। हाँ, हाँ। क्या किसी का नाम पता है? किसका नाम बताना चाह रहे हैं? अरे अथी, वो ये अथी वाला ना खो। जी बताओ क्या समस्या बता है? हाँ, बोल अरे हमारे रोड चाहिए, आपका चाहिए गिर गए यहाँ तो माटी मने डाल दे, आप कॉलोनी चाहिए सीसी पर 360 पीस। हाँ, 360 पीस PCC का निर्माण मने हुआ था। हाँ। मने बन चुका था तो ये मने बुढ़िया कर रहा है कि मने जाते हैं तब मने गिर जाते हैं, पानी उनी गिर रहा तब। अब गिरने रास्ता जो है क्या ज्यादा खराब है, वो डैमेज है था पूरा 360 पीस में, आधा रोड में माटी फिलिंग कर दिया। हाँ। अब आधा रोड हमारा घर से मतलब उधर से ही है जी, तो वही मैंने बोल रही है कुछ मिट्टी में गिरा दिया है। मुखिया जी को बोलने के बाद मुखिया थाना भी कंप्लेन किया, हम लोग मारपीट भी हुआ था। अच्छा, वो रास्ता को लेकर? रास्ता को लेकर कि PCC पर बहुत माटी गिरा दिया है, उसमें कचरा हो गया पूरा, अभी भी जमल है पानी। मुखिया जी से बोले, मुखिया जी बोले ठीक है करवाएंगे। अच्छा, उसको साफ कोई नहीं करवा रहे? कोई नहीं करवाया। अच्छा, ये कौन किया है, माटी उटी कौन गिरा है? माटी है जान, गोतिया करवाया है। गोतिया बोले तो अच्छी नाम है। एक चीज समस्या है यहाँ पर, सब कोई नाम है लेकिन भूल जा रहे हैं किसी का। अगर वो नाम जब तक आप ओपन नहीं कीजिएगा तो फिर हम लोग कैसे कुछ कार्रवाई करेंगे? कुमार रविंदर चंद्रवंशी का वो गिराए हुए। हाँ, PCC पे। मैंने किस लिए गिराए हैं? हमको ऊंचा हो जाएगा तो गली हो जाए, मैंने ऊंचा हो जाएगा, पानी इधर नहीं आएगा, पानी उधर जाएगा, हम सही रहेंगे। ये क्या नाम बताए? रविंदर चंद्रवंशी और राजेश। राजेश ये कहाँ बिकताम कहीं है, बसरिया कहीं है? इन लोग द्वारा जो है आप लोग का घर के पास PCC के ऊपर मिट्टी गिरा दिया गया है और उस जगह जो है पूरा कचरा हो गया है, लेकिन जब आप उसे हटाने के लिए जब मुखिया को बोल रहे हैं तो वो कोई एक्शन नहीं किया, थाना पर भी मारपीट किया वो लोग। अच्छा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ? मैंने कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंचायत में तो एक घपला हो ही रहा है। हाँ बाबा, एक बात हम कहना चाहते हैं कि हमारे ग्राम के अंदर जितना मुखिया और सरपंच हैं सब घपलाबाजी जो है ये सारा चीज चल रहा है। ठीक है, आज जो मुखिया जामा अभी जीतने का काम कर रहे हैं, अभी आप थोड़ा सा तत्काल में देख लीजिए, एगो सरकार किसान क्रेडिट दे रहा है। ठीक है, उस पर दलाल साले पड़ रहा है कि कह रहा है कि हम 10,000 लेंगे, 5,000 लेंगे, ये करेंगे, उस पर भी ध्यान देना होगा, पत्रकार हैं आप। जी जी बिल्कुल, सारी चीज पर हम लोग का नजर रहेगा। कहाँ घर हुआ?
लिखता हूँ। क्या स्थिति है मुखिया जी का यहाँ? अरे यहाँ का सब तो ही चल ही रहा था, लूटपाट चल ही रहा था। अब फिर आएंगे मुखिया जी तो वोट दीजिएगा? क्या कीजिएगा? नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं देंगे, देवे नहीं करेंगे हम लोग। क्या कीजिएगा? दूसरा को देंगे। नहीं, बहुत सारे पंचायत में बोलते हैं जो मुखिया को वोट नहीं देंगे, दौड़ाने लगेंगे, देवे नहीं करेंगे। तो क्या कीजिएगा? दूसरा कोई देंगे। उनको कुछ नहीं बोलिएगा? नहीं कहेंगे उनको, मुंह पर नहीं देंगे। क्या बस इतना बोल के छोड़ दीजिएगा? पैखाना रूम बन गया है, अभी तक पानी बैठबे नहीं किया है। आधार कार्ड सब लेकर पैसा भी निकल गया। मैंने शौचालय बनाने के लिए घर तैयार हो गया, पेंदा नहीं बैठा, पैसा निकल के रेडी हो गया, जिसको जिसको जहाँ कमीशन जाना था वो चल गया। लेकिन आज के डेट में कोई सुनवाई नहीं हुआ। वाह वाह वाह, यहाँ के ऐसे ऐसे प्रतिनिधि लोग हैं, धीरे धीरे हालांकि पुर्जा खुलते जा रहा है, वो उनको हम ढूंढ रहे हैं जो नाम बताना चाह रहे थे। हाँ बताइए कौन है सीओ साहब का दलाल? कौन है सीओ साहब का दलाल का? अभी नाम कंफर्म नहीं आ रहा है। कुछ समझ में हमको आ रहा है कि यहाँ पर जो है नाम भुला जाते हैं, भुलाने का रीजन ये है कि कहीं ना कहीं शायद हम लाइट में ना आ जाए, बहुत सारे ऐसे समस्या होती है। और हमारे साथ इधर जी गार्जियन बताओ कहाँ घर? घर तो बसरिया पड़ता है। यहाँ का पानी का व्यवस्था वस्ता बहन? पानी के मारे ये क्या बोलता है, जन मीनार वगैरह वगैरह मारे से गड़ा रहा है सर। तो पानी का क्या समस्या है? पानी उन्हें निकलता भी होते? पानी निकल रहा है, पानी निकलता है। हाँ, पानी निकल। हम लोग रास्ता में से आ रहे थे, बहुत सारे जल मीनार ऐसे के जैसे के तैसा था, तो जैसे के तैसे नहीं हो जाएगा सर। आप कर दीजिएगा तो नहीं होगा, सरकार पानी निकलेगा, पाइप बिछेगा तब ना पानी निकलेगा। टंकी से तो सप्लाई पानी हो ही रहा है, सरकार सप्लाई जो पाइप बिछेगा तब ना दूर जाएगा पानी। दूरी दूर की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे जल मीनार बना उस जगह नल तो लगता है ना? नल लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन हम लोग अभी जो देखे पंचायत में पूरा डेट पड़ा हुआ है। नहीं नल लगा हुआ है, नल तोड़ दिया होगा उससे मतलब नहीं है, नल तोड़ दिया होगा, लेकिन जल मीनार सब में नल लगा हुआ है। अच्छा, हमारे दूरा पर भी है पानी नहीं, 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 और बहुत सारे और पंचायत में तो बात खराब पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। हाँ तो खराब कर दिया, तोड़ दिया होगा, मरम्मती आएगा ना? बताओ बाबा, रात पेंशन का बंद हो गया, वृद्धा पेंशन मिलत रहा कि नहीं पहले? मिलत रहे, पाँच महीना बंद है। तो अभी चार पाँच महीना से सरकार का खजाना जो अनबाहिन अभी खाली हो गया, वो कहा बड़ा जो हम बाद में देव और एक बार मिली। और कुछ आपका बताइए? हम बोल रहे हैं। बोल दिए हैं, क्या बोल दिए? और सब ठीक है, और क्या बोलेंगे हम? और हालांकि देखा जाए तो जो पंचायती जो चुनाव है, चुनाव का दौर है, और जो भी प्रतिनिधि हैं हालांकि चेंज करने का मूड में है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा बात करेंगे जी अबर जो है पंचायती चुनाव में कैसे उम्मीदवार को लाना चाह रहे हैं। और हमारे साथ गार्जियन है जी, हम दूसरा टोला। अच्छा, दूसरा मोहल्ला के हैं। अच्छा, अबर का मुखिया कैसे आप लोग चाहते हैं लेना? अब देखिए, अब अभी मुखिया तो अभी बंद भी नहीं किया है, अब उठल है पाँच छः गो, अब जिसमें विचार करेगा उसका हिसाब से देंगे। ऐसा उम्मीदवार अबर के डेट में आप चुनेंगे? अबर ही भाई, हम लोग तो होंगे ना, बढ़िया देख के चुनेंगे। मैंने कुछ उसके अंदर गुण बताइए। हाँ तो उसका अंदर जो चीज़ है बात विचार बता, बढ़िया लगे, वही मुखिया चुनल जाए कि जानकार पूरा होकर ग्रामीण से लेकर प्रखंड तक। तो अभी तक जो भी उम्मीदवार आपके सामने है, कोई ऐसा उम्मीदवार है जो आपके नजर में से लग रहा है? उतना पहुंचल तभी कोई निखन उम्मीदवार, तो आप किसी वोट नहीं दीजिएगा? अभी तो देख रहे हैं कि अभी तक करके आ रहे हैं मैदान में। अच्छा, अभी पूरा फिक्स नहीं हुआ है अभी? नहीं अभी। और कुछ इधर कुछ बताए बाबा, बताए अबर के जो मुखिया जी बड़ा जी, क्या स्थिति बा इनका? और फिर से मुखिया इनका बनाए कि चेंज करके एक मूड में आया? बहुत ऐसे उठ रहे हैं, एक पर एक ज्ञानी, एक पर एक बुद्धिमान, बहुत बहुत योद्धा लोग उठ रहे हैं फील्ड में, जनता के निगाहों में सब हैं। हाँ। है? जनता के सामने जैसा कि जनता को जैसा सेवा कुछ किया होगा, जो नजर में आता होगा उसको वोट दिया जाएगा और वही प्रतिनिधि बनेगा। कहना था जो कि कोई अभी तक जो है कि समाज के बीच में, जनताओं के बीच में कुछ कोई काम नहीं किया, कोई पहचान नहीं किया, कोई जागरूकता नहीं किया, तो जनता कैसे जान रही है कि हमारे प्रतिनिधि जो हैं हमारे लिए स्वच्छ रहेंगे, यानी कार्यक्रम को जो है आगे की ओर बढ़ाएंगे, हम लोग को लाभ दिलाएंगे, और जो है कि आगे चल के यहाँ से लेकर के प्रखंड से लेकर जिला तक लड़ने का अधिकार रखेंगे। जी बिल्कुल बाबा, ये हमें बताइए, अभी छः साल जो अभी कार्य रहा है मुखिया का, जी जी, इसका कार्य से आप हैं खुश? देखिए, कोई प्रतिनिधि हम ही लोग बनाए थे उसको, कोई दूसरा नहीं बनाया, जनता हम ही सब मिल करके उसको प्रतिनिधि बनाया। बाबा खुश हैं कि नहीं है?
खुश हैं? खुश नहीं, मैंने दोबारा आप उनको मौका देंगे? नहीं देना चाह रहे, मैंने किसी दूसरे को चुनिएगा जी। और इधर नौजवान भी हमारे साथ है, इधर थोड़ा सा आ जाइएगा, कुछ खाते पीते हैं का? इधर 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 आइए, क्या मुंह में कुछ खाते नहीं ना है? कुछ नशा वशा नहीं ना है? नहीं है। तो क्या मुखिया की स्थिति? मुखिया की स्थिति हम लोग क्या जाने, 18 साल अभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो अगर आप चुनना होगा तो किसको बोलिएगा? माता पिता को तो बोलिएगा ना, किसको वोट देने के लिए बोलिएगा? जो अच्छा होगा, जो मैंने कौन अभी कोई दिखा नहीं दिखा है अभी। मुखिया जी बढ़िया नहीं है? नहीं, सब जनता लोग कह रहा है कि नहीं है बढ़िया, तो नहीं है। अगर इन लोग बोल दिया खराब है सही है तो अभी बोलिए सही है? नहीं, हम कैसे सही, मैंने जिधर गंगा बह रहा है आप उधर ही बह जाइएगा। और हमारे साथ अच्छा महिला लोग भी उपस्थित हैं। जी जी बताओ चाची, क्या समस्या है? समस्या है यहाँ के मुखिया जो बने हैं रजत भैया, प्योर चमचा है, घुसखोर है, ठीक ना। हम लोग के ले लिए कुछ गाय सेट में 5,000 रुपया और ला के घर वापस कर दिए। तो 5,000 बहुत कम बताओ, उस समय 5,000 बोल रहे थे, अभी तो 15,000 ले रहे हैं। मैंने ये कितना दिन पहले के बाद? वो 3 साल पहले के बात है। 3 साल पहले? हाँ। कितना? 5,000 घर लगे वापस। एक एक साल में 5,000 रुपया? नहीं, हम लोग गाय सेट जब करवाने लगे ना तो 5,000 रुपया घर में ले जाके दिए, अब नहीं दिए, ला के घर में पैसा वापस कर दिए। तो मुखिया का जिताएंगे फिर से? अच्छा। हम नया मुखिया के जिताएंगे हम लोग। अच्छा, कोई ऐसा उम्मीदवार है जिसको आपको नजर में होगा ये सही काम करेगा पंचायत? हाँ, हम लोग है। आप उसको चुन के रखे हैं? हाँ रखे हैं। क्या पंचायत का स्थिति बताइए, महिला लोग का खास कर क्या स्थिति है? अच्छा, आप मुखिया ही जी है? तो फिर बताइए क्या है? मिला जुला के तो ठीक है। हाँ, लेकिन जो अभी सेट में पैसा लिया है 15,000। मैंने इस बात को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, हम खुद दिए हैं। अच्छा, 15,000। वार्ड मेंबर भी है? अच्छा, हाँ, वार्ड कितना नंबर? 6 है। अच्छा, मैंने आप खुद वार्ड नंबर 6 होते हुए भी आप 15,000 रुपया घुस दिए हैं? क्या चीज के लिए बोल रहे थे? सेट के लिए बोले कि पैसा नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा। ठीक है, पैसा तो हम दे दिए, लेकिन फिर भी 85,300 ब्लॉक से छूटा है, उसमें भी पैसा ले रहे हैं। अच्छा, सेंशन करके हम लोग के लाभ के दिया जा रहा है 51,000 रुपया। 51,000 जी, बाकी पैसा कहाँ गया हम लोग खोज रहे हैं। 15,000 रुपया सेट आने से पहले दिए, इसके अलावा 85,000 छूटा, उसमें से 51,000 रुपया आपको मिला। और बीच में जो है सब खा जा रहे हैं, खिचड़ी पका लिया जी। अब ये खिचड़ी कौन पका रहा है ये हालांकि खोज होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे तक हैं। और कुछ हैं? और किसी का कुछ समस्या बताइए। पंचायत का समाज सेवी डॉक्टर रियाज जी हमारे साथ हैं और ये सारी तमाम पर हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप हम ये बताइए जी, इस पंचायत को जो स्थिति अभी है, जैसे अगर हम विकास की बात करें, 5 से एबव हो गया कोरोना काल की वजह से, 6 साल रहा, उस स्थिति में हमें 5 काम गिनाइए जो मुखिया के माध्यम से ठोस काम हुआ होगा। सर, यहाँ पे जो भी काम हो रहा है मुखिया के द्वारा, अभी आपको यहाँ के लोग बता ही होंगे कि बिन पैसा के काम नहीं हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री आवास हो, काम हमें बताए ना क्या क्या काम हो, वो तो घुस कर लेके बात हो ही गया, सब लोग बता ही दिए, सब तो चिट्ठा खोल ही दिया है। काम में हुआ है आपका कुछ PCC रोड बना है और जल मीनार का काम हुआ है। और ये सब की स्थिति अभी क्या है? स्थिति सर एकदम बिल्कुल जर्जर है। अगर जल मीनार है तो कैसा है? एकदम बिल्कुल जल मीनार एकदम लग गया है, पानी ही नहीं मिल रहा है लोगों को। एक तो बाबा बता रहे थे जो पूरा चकाचक है, पब्लिक जो है ना एकदम पानी के बिना मैंने त्राही त्राही कर रहा है यहाँ पे। डॉक्टर साहब वो नहीं है, मेरा सवाल ये है, अभी जैसे कुछ ग्रामीण लोग बता रहे हैं जी जी, हाँ, जब चकाचक है जल मीनार जितना भी बना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं जो नहीं है, ये तो पंचायत तो एक ही है ना, गांव तो एक ही है। हाँ, हाँ, तो आप किस नजर से देखते हैं जो आपको खराब दिखता है, वो किस नजर से देखते हैं जो सही दिखता है? नजर से ये देखते हैं कि जब भी हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे पानी जो है नहीं रहता है, लोगों का शिकायत रहता है कि यहाँ पे जो है जल मीनार खराब है। यहाँ जल मीनार के लेकर के मुखिया से भी बहुत तरह के शिकायत किया जाता है, लेकिन जल मीनार के प्रति डॉक्टर साहब हम लोग हमेशा आपको ये देखे हुए हैं, समाज सेवी के बदौलत बहुत सारे चापाकल में आप उसका देख रेख करते हैं, गरीब लोगों का सुनते हैं। तो ये जो स्थिति है, क्या यहाँ के जो प्रतिनिधि उन लोग का ये सब नहीं समझ में आता है? नहीं सर, देखिए सर, अभी हमारे पंचायत में जो है कि बहुत सा देख रहे हैं कि चापाकल 2-2 साल 3-3 साल से पड़ा हुआ था खराब, लेकिन उन्होंने कई बार मुखिया उप मुखिया यहाँ पे जितने हैं लोगों से अधिकारी से जाकर के शिकायत किए, लेकिन सुनवाई नहीं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुआ। लास्ट में हमारे पास आए कि आप जो है कि यहाँ पे लोगों का
प्रति मतलब जागरूक हैं, काम करते हैं। अगर हम लोग अगर ये चापाकल बनवा देंगे तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ के लोगों को पानी मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ का जो भी प्रतिनिधि हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो उनको शर्म ये आना चाहिए जो एक प्रतिनिधि होते हुए भी गांव का काम नहीं कर रहे हैं और एक एक आम आदमी जो है, एक ग्रामीण जो है, ये सारी समस्याओं का पर नज़र डाल रहे हैं। ऐसी प्रतिनिधि को दोबारा अगर यहाँ के जनता लाती है, दोबारा अगर उसे चुन के करती है, तो कहीं ना कहीं ये सारी ग्रामीण लोगों का बेवकूफ़ी है। ऐसे प्रतिनिधि को आप ज़रूर चेंज करें और दूसरे प्रतिनिधि को आप जो आपके पंचायत का जो साफ सुथरा हो, जो सही हो, जो आपकी बात करता हो, आपकी घर की बात करता हो, आपकी छत की बात करता हो और आपकी पेट की बात करता हो, ऐसे प्रतिनिधि को चुने ताकि आने वाला समय में 5 साल उसके साथ रह के काम करे और आपके साथ वो मिलकर काम करे। और ये कोशिश ये रहेगा जब भ्रष्टाचार वो मिटाने का कोशिश करे। कैमरामैन विकास के साथ मैं मोहम्मद मुश्ताक, धन्यवाद।